गुड इवनिंग दोस्तों, और बहुत ही प्यार भरा आदाब आप सबको। तो आजकल दिल की जो सूरत हाल है जिस कदर, उसे एक शेर के रूप में बयां करना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। तो गौर फरमाइएगा कि माना कि शायर हो गया हूँ अब, पर मेरी कहानी कुछ खास भी नहीं। माना कि शायर हो गया हूँ अब, पर मेरी कहानी कुछ खास भी नहीं। जिसकी रुबाइयाँ हर दम सुना रहा हूँ दुनिया को, वो मेरी जान तो मेरे पास भी नहीं। वो मेरी जान तो मेरे पास भी नहीं। तो यारों, मैं कसक हूँ और यूं ही जज्बात इजहारी शेर व शायरी का शौक़ रखता हूँ। आज से तकरीबन एक साल पहले सोशल हाउस के इसी पाक मंच पर आया था मैं, और उस वक्त की जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जदोजहद थी, जो स्ट्रगल थी डिप्रेशन के साथ, उसके बारे में मैंने एक नज़म सुनाई थी। तो आप ऑडियंस वाले दोस्तों से भी बहुत प्यार मिला, और उसके बाद फिर वीडियो भी यूट्यूब पर डली, वहाँ पर भी लोगों ने बहुत सराहा नज़म को और बहुत हौसला अफजाई की। तो आज भी दो छोटी छोटी नज़में लेकर आया हूँ, और नहीं, आज डिप्रेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2020 ने सबको बहुत डिप्रेशन दिया ही है। सो आज हल्की फुल्की बात करेंगे, कुछ आशिकी की तो कुछ दिल लगी की। तो पहली जो नज़म है, इसका उनवान है तेरी मेहरबानी, और ये उस वक्त की तर्जुमानी करती है जब आप अपने किसी चाहने वाले से, किसी दिलबर दिलबरा से बिछड़ जाते हैं, और क्योंकि उस वक्त और आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप सोचते हैं कि चलो क्यों ना अपने आप को वजाएं दी जाए ये बताने के लिए कि हमारा उनसे बिछड़ना सही था। तो गौर से सुनिएगा, तेरी मेहरबानी। मेरे दर्दे दिल के इस बेजार मंजर पर मरहम बनाने की तेरी मेहरबानी। यूं रहती तो कब तक बेबस रहती मुझ में तेरी यादें, मुझे याद करके भूल जाने की तेरी मेहरबानी। बड़ा मुश्किल था बयां करना दर्द मुस्कुरा कर काफिलों में। बड़ा मुश्किल था बयां करना दर्द मुस्कुरा कर काफिलों में। मेरी आंखें पढ़कर हर दम मुझे समझ जाने की तेरी मेहरबानी। सर बसर बेमंजिल ही रहता तेरा मेरा रास्ता, ओ बेमुरव्वत मुझे बीच राह पर छोड़ जाने की तेरी मेहरबानी। तेरे हर एक पहलू का जिक्र मेरे नज़्म गज़लों में सदा कायम रहेगा। तेरे हर एक पहलू का जिक्र मेरे नज़्मों गज़ल में कायम रहेगा। कई चेहरे हैं तेरे इस सच से मुझे रूबरू कराने की तेरी मेहरबानी। तेरे बगैर खुश हूँ मैं, गौर से सुनिएगा, कि तेरे बगैर खुश हूँ मैं ये गलत फहमी लेकर, गैरों का हाथ थाम कर बेसबब मुझे ठुकराने की तेरी मेहरबानी। ये सिला है मेरा कि तू बेवफा ना था मुझसे। ये सिला है मेरा कि तू बेवफा ना था मुझसे। किस कदर करते हैं वफादार बेवफाई, मुझे ये बात सिखाने की तेरी मेहरबानी। मेरे दर्द दिल के बेजार मंजर पर मरहम बनाने की तेरी मेहरबानी। यूं रहती तो कब तक बेबस रहती मुझ में तेरी यादें, मुझे याद करके भूल जाने की तेरी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। तो अब ये जो दूसरी नज़म है, इससे आप लोग बाखूबी रिलेट करेंगे, क्योंकि इसमें जिन किस्सों का जिक्र किया गया है, ये आपने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किए होंगे, और ये उस वक्त की तर्जुमानी करती है जब आपको अपने दिलबर से, दिलबरा से बिछड़े हुए बहुत अरसा बीत जाता है, बहुत वक्त बीत जाता है, और आप सोचते हैं कहीं ना कहीं एक ढली सी उम्मीद लेकर कि क्या पता वो आपसे अभी तक प्यार करते हों, और क्या पता जो आपका अधूरा इश्क है वो एक दिन मुकम्मल हो जाए। तो नज़म का उनवान है कि है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। तवज्जो से सुनिएगा, कि लिखता हूँ मैं किसी को हर दम, और मेरी शायरी से सारी आवाम खुमार करती है। सुनो, है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। कहती नहीं है किसी से, पर कभी कभी गमजदा नजरों से इजहार करती है। कहती नहीं है किसी से, पर कभी कभी गमजदा नजरों से इजहार करती है। यारों, है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। यूं तो नजरों का अब कोई रब्त नहीं उसे, और सच है कि यूं तो नजरों का अब कोई रब्त नहीं उसे, मगर फिर भी कई बार मेरी ये आंखें चौखट पर उसके लौटने का इंतजार करती हैं। दोस्तों, है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। वैसे मेरी शायरी समझती नहीं उसको, और सच बात है कि वैसे मेरी शायरी समझती नहीं उसको, मगर फिर भी यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में मेरे ट्रोलर्स पर वो गालियों से वार करती है। है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। यूं तो कह गई थी कि नहीं रहा मैं उसके काबिल, मगर सुना है रकीब से जिक्र मेरा बेशुमार करती है। यारों, है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। वैसे ब्लॉक कर चुकी है मुझे अपनी जिंदगी से, और गम भी है इस बात का, वैसे ब्लॉक कर चुकी है मुझे अपनी जिंदगी से,
मगर जिस दोस्त के स्नैपचैट में झलक हो मेरी, उसकी स्टोरियां प्ले वो बार बार करती है। यारों, है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। कहती है सबसे कि अब नहीं है वो मेरी, कहती है सबसे कि अब नहीं है वो मेरी, लेकिन कोई मुझे कुछ बोल दे तो वो लड़ाकी हर दम मेरे नाम के हक में अब तक हड़ताल करती है। है एक लड़की मेरे यारों जो अब तक मुझसे प्यार करती है। तो ये आखिरी मिसरा है और ये मेरी रूहानी सच्चाई है कि यकीनन दिल में उसके अब भी बसता हूँ मैं, यकीनन दिल में उसके अब भी बसता हूँ मैं, मगर अपनी ही अना के चलते अब तक मेरा चेहरा पहचानने से वो इनकार करती है। यारों, है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। कहती नहीं है किसी से पर कभी कभी गमजदा नज़रों से इजहार करती है। है एक लड़की जो शायद अब भी मुझसे प्यार करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी नज़मों ने आपकी दिल की तार थोड़ी बहुत छेड़ी हो। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।